सीमा हैदर को पाकिस्तान से आए करीब 10 महीने होने वाले हैं, लेकिन उसके पाकिस्तानी पति ने उसकी मुश्किल ज़रूर बढ़ा दी है। खबर है कि उसने भारत में एक वकील कर लिया है, अपने बच्चों की कस्टडी के लिए कानूनी लड़ाई छेड़ दी है। ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा में सीमा हैदर सचिन मीणा के परिवार के साथ राजी खुशी से रहने का दावा करती है। सीमा के साथ उनके 4 बच्चे भी रहते हैं, लेकिन अब इन्हीं बच्चों को लेकर उनके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने बड़ा पेच फंसा दिया है। पिछले दिनों एक इंटरव्यू के दौरान दोनों की तीखी बहस भी देखने को मिली थी। इसमें गुलाम हैदर ने अपने बच्चों की कस्टडी को लेकर बात कही थी। अब गुलाम हैदर के भारत में एक वकील हायर करने की बात सामने आ गई है। वो भारत में वकील करके सीमा हैदर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगा। गुलाम हैदर ने सीमा से अपने बच्चों को वापस लेने के लिए वकील किया है। पिछले साल जुलाई के महीने में रघुपुरा थाने में सीमा हैदर पर 120वीं फॉरेनर एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था। पानीपत के वकील मोमिल मलिक ने यूपी पुलिस से FIR की कॉपी देने समेत इस केस से जुड़े दूसरे दस्तावेज की मांग की थी। कहा जा रहा है कि वकील ने एक एप्लीकेशन स्थानीय मजिस्ट्रेट को दी थी। कोर्ट ने जांच अधिकारी को आदेश देते हुए 26 फरवरी तक कोर्ट में जवाब दाखिल करने का समय दिया था। साथ ही याचिका में कहा गया था, जिस वक्त सीमा हैदर को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त उनके 4 बच्चों की उम्र 3, 4, 5 और 6 साल थी। पुलिस ने सभी को कस्टडी में रखा, लेकिन इसकी सूचना इनके असली पति गुलाम हैदर को नहीं दी गई। गुलाम हैदर ने सीमा के साथ सचिन को भी दोषी बताया है। उसका कहना है कि सीमा से बरामद सभी दस्तावेजों में उसके पति का नाम गुलाम हैदर लिखा हुआ है और इस तरह से वो उसकी कानूनी तौर पर पत्नी है। दोनों के बीच तलाक भी नहीं हुआ है। गुलाम के वकील मोमिन का कहना है कि सीमा, उनके 4 बच्चों और सचिन को हरियाणा के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। बाद में FIR ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा थाने में दर्ज की गई थी। इस मामले की कानूनी प्रक्रिया बल्लभगढ़ में ही बनती है, मुकदमा भी यहीं दर्ज होना चाहिए था। गुलाम हैदर का कहना है कि भारत की अदालत से उनको इंसाफ की उम्मीद है और जल्दी ही उनके बच्चे उनसे मिलेंगे। वहीं सीमा का कहना है कि अगर उन्हें पाकिस्तान भेजा जाता है तो उनकी और उनके बच्चों के जान को खतरा है। पाकिस्तान के कराची में रहने वाली सीमा हैदर बीते साल 13 मई को नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत में दाखिल हो गई थी। सीमा नोएडा के रहने वाले सचिन से ऑनलाइन गेम के दौरान संपर्क में आई थी। बाद में दोनों ने साथ में रहने का फैसला कर लिया। दोनों नेपाल के रास्ते भारत आ गए, तब से सीमा सचिन के परिवार के साथ ही रह रही है। वहीं सीमा का ये भी कहना है कि गुलाम को कुछ लोग भड़का रहे हैं। साथ रहते हुए गुलाम ने कभी बच्चों की चिंता नहीं की, लेकिन अब वो प्यार दिखा रहा है। जाहिर है अब गुलाम हैदर मामले को अदालत की चौखट पर ले गया है, जिससे सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी पर नया मोड़ आ गया है। अब सवाल है कि क्या बच्चे सीमा के पास ही रहेंगे या फिर कस्टडी गुलाम हैदर को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।